भाई साहब ट्रेलर ही ट्रेलर चल रहे हैं। तीन ऐसी धमाकेदार मूवीज इंडियन सिनेमा की जिनकी ना कोई हाइप है ना कहीं पर बात हो रही है, पर इनकी बात होनी चाहिए क्योंकि ये मोस्ट मच अवेटेड हैं और कम ही टाइम पे आते हैं, जबरदस्त काम लेकर आते हैं। तीनों अलग अलग कंटेंट हैं तो अभी आज इन्हीं तीनों के बारे में बात करेंगे। विद्युत जामवाल की क्रैक जो मूवी का ट्रेलर आ चुका है, रजनीकांत की लाल सलाम मूवी का ट्रेलर आ चुका है, और आर्टिकल 370 यामी गौतम की उस मूवी का ट्रेलर आ चुका है। तो अभी तीनों पर बात करेंगे, कैसा क्या हमें मूवी में और कुछ मिल सकता है और ट्रेलर ने कितना प्रॉमिस हमें दिया है कि मूवी हमें कितनी धमाकेदार मिलेगी। उससे पहले क्या करना, वीडियो को एक लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं भाई साहब, क्रैक मूवी के ट्रेलर से शुरुआत करेंगे। एज यूजुअल ट्रेलर इज ऑसम भाई, विद्युत जामवाल की मूवी से जो हम एक्सपेक्ट करते हैं एक्शन, एक्शन में कोई कमी नहीं होने वाली है। हाई स्किलफुल मार्शल आर्ट वाला जो एक्शन हमें देखने को मिलता है वो इसी बंदे की मूवी से देखने को मिलता है और वो फेल के हमें देखने को मिलेगा। पर यार ट्रेलर ने सब कुछ दिखा दिया कि मूवी में हमें क्या मिलने वाला है, मतलब पूरी कहानी ही हमें पता चल चुकी है। दो भाई का लव बॉन्ड होने वाला है जिसमें से अर्जुन रामपाल जो विलेन का रोल प्ले करेंगे वो उसके भाई को मार देंगे। एक स्क्विड गेम टाइप कोई ऐसा स्पोर्ट्स है वही पर चीटिंग होगी उसके भाई के साथ, फिर उसके बाद अपना विद्युत जामवाल चला जाएगा और यही सारी चीज़ें हमें मूवी में देखने को मिलने वाली है। यही सब बता दूंगा तो मूवी में क्या ही बचेगा, क्योंकि पूरी प्रिडिक्टेबल है कहानी, पूरी प्रिडिक्टेबल है। तो एक्शन दमदार मिलेगा, बस इसी चीज़ की खुशी है क्योंकि ऐसे एक्शन हमें इन्हीं इसी बंदे की मूवी से मिलता है, बाकी दैट्स इट, मूवी खत्म हो जाएगी। लाल सलाम मूवी की बात करते हैं, रजनीकांत की मोस्ट मच अवेटेड, भाई साहब एज मसीहा देखने को ये बंदा मिल रहा है। मुंबई का सुल्तान मिर्जा वाला रूप हमें इस बंदे को देखने को मिल रहा है। वही साउथ की मूवी से यार जो एक्सपेक्टेशन रहती है, ये अपने बंदे ये अपनी मूवीज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, अपनी कहानी कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, क्योंकि स्टोरी राइटिंग लग रहा है दमदार होने वाली है। फैमिली इंपॉर्टेंस और एक्शन एंड स्टोरी ये सब कुछ दमदार मिलने वाला है। वही चीज़ की साउथ की जो कॉन्टेंट होते हैं ना थोड़ा हटके होते हैं, और ऐसा ट्रेलर से इतना प्रिडिक्शन लग नहीं पाता है कि मूवी क्या होता है। भाई ट्रेलर प्रॉमिसिंग है, देखा जाएगा कितना क्या मजा आने वाला है। भाई एक्साइटमेंट है, भाई रजनीकांत की मूवी ऐसे हमेशा नहीं आती, जब भी आती है दमदार लेकर ही आते हैं। तीसरा आर्टिकल 370 का ट्रेलर आ चुका है, यामी गौतम भाई रौद्र रूप में देखने को मिल रही है और सी नेल्ड इट, अगर मूवी दमदार हो जाएगी तो, क्योंकि ट्रेलर प्रॉमिसिंग उतना नहीं लग रहा है। आर्टिकल 370 को कैसे हटाया गया है, उसके कितनी जद्दोजहद हुई है, मतलब कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ी है, यही सारी डिटेलिंग हमें इसमें देखने को मिलने वाली है। उसके बाद आर्टिकल 370 के आड़ में कैसे गैरकानूनी काम होते थे वो भी दिखाएंगे, दैट्स वाई कि ये हटाना इतना जरूरी हो गया था, ये चीज पर ज्यादा वजन दिया जा रहा है। बाकी बालाकोट पुलवामा अटैक के बारे में भी बात हुई है इसमें, जो रिपीटिंग हो रहा है फाइटर मूवी में भी हुआ था। देन उसके बाद जो एक्टिंग करी है भाई, करी गई है अमित शाह और मोदी जी के लिए, अपने प्राइम मिनिस्टर जी के लिए, उनके कैरेक्टर में उतना दम देखने को नहीं मिल रहा। मतलब अमित शाह का वो पार्लियामेंट वाला वो वाला सीन दिखाया है कि जान दे देंगे, मतलब क्या ही। और मोदी जी के भी कैरेक्टर में उतना, मतलब इस मूवी में उतना दम देखने को नहीं मिल रहा है, दैट्स वाई कि ट्रेलर उतना थोड़ा प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा है। हाँ, यामी गौतम और जो प्रिया मनी है ये दोनों भाई डिसअपॉइंट नहीं करेंगे और इनकी वजह से ही मूवी चलने वाली है। इन्होंने दमदार कर दिया तो मजा आ जाएगा, बाकी देखते हैं क्या मिल सकता है हमें मूवी में। बाकी ट्रेलर दमदार है तो तीनों मूवी के लिए भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। अगर आप लोग हैं तो आप भी बताओ नीचे कमेंट बॉक्स पर, और आपने तीनों ट्रेलर देख लिए हैं और नहीं भी देखे हैं तो जाके जरूर देखो, देख लिए तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ, हमारा ओपिनियन जरूर शेयर करते जाना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, जय।